सिरनौर तालुका के सस्ते राशन दुकान के संचालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज मामलेदार को आवेदन पत्र दिया था। राज्य भर में विविध सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और धरना के बाद अब राज्य के तमाम सस्ते राशन की दुकान के संचालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल तथा विरोध प्रदर्शन का सत्र उठाया गया है। सिरनौर तालुका में भी सरकार मान्य वैसे सस्ते राशन की दुकान के संचालकों द्वारा आज अपनी विविध मांगों को लेकर नायब मामलेदार को आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें फेयर प्राइस शॉप के संचालकों द्वारा उन्हें मासिक रूपए 30,000 रूपए का वेतन चुकाया जाए तथा अन्य कई मांगों को लेकर आवेदन पत्र देने के साथ आने वाले 2 अक्टूबर से गांधीगिरी के साथ धरना पर तथा अनिश्चित मुदत की हड़ताल के साथ राशन वितरण कार्यक्रम बंद किया जाएगा वैसी चेतावनी देते हुए आज आवेदन पत्र दिया था। आज हमें सिरनौर तालुका ना सरकार मान्य संस्था दुकानदारों हमारा राजस्थान ने एसोसिएशन ने जो मांगणीओ छे जूनी एना अनुसंधान में आवेदन पत्र आपवा माटे मामलेदार ऑफिसे सेवा सदन खाते आव्या छे। अने जूनी मांगणीओ में अमारे हुं छे के दुकानदारों ने पगार 30,000 रुपया करी आपे अथवा कमीशन वधारी आपे तो ज पोसाय एवुं छे। आजना दिवस में अमारे 10,000 થી 12,000 રૂપિયા કમિશન મળે છે, એટલામાં નોકર પગાર, કોમ્પ્યુટરનો ખર્ચો, દુકાનદારનું ભાડું, લાઇટ બિલ બધો ખર્ચો કરવાનો અઘરો પડી જાય છે અને દુકાનદાર પાસે કશું જ રહેતું નથી। તો સરકારને અમે એવી વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારી જૂની જે માંગણીઓ છે એના એ કરી આપે તો દરેક દુકાનદારને પોસાય તેમ છે। એના અનુસંધાનમાં અમે આજે આવેદન પત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ। આગળના શું પગલાં રહેશે તમારું? આગળના પગલામાં જો કે અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે જવાના છે અને બીજી પરથી અમે દુકાનો સદંતર બંધ રાખવાના છે અને વિતરણથી અલગ રહીશું, કોઈ દુકાનદાર દુકાન ખોલશે નહીં।